मुझे अचानक पता चला कि उसे ना जो बाहर खंभा है ना उसके तीन लड़कों को ऐसे बहुत बहुत खौफनाक मंजर है, अभी मोबाइल में रिकॉर्ड है, बहुत खौफनाक मंजर है, अभी बताया नहीं जा रहा मुझसे कि मैं क्या। इनकी गलती है, ये परसों तारे चेंज कर कर गए, उधर कोई जोर छोड़ गए, किसी ने ये नहीं देखा कि दोबारा चेक कर लिया कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा। और देखो वो बच्चे तो खेले, उनको क्या पता है यहाँ पे करंट है या क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम चड़र पिंड में। यहाँ पर कल एक इंतहाई अफसोसनाक जो है वो सानहा पेश आया कि यहाँ पर दो बच्चे जो हैं वो करंट लगने से जाँ बहक हुए। मैं आपकी बात जो है ऐनी शाहिदीन से करवाता हूँ जिन्होंने कल इस सारे वकूए को देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसफ। अच्छा मोहम्मद आसफ साहब, आप कल यहाँ पर मौजूद थे, क्या आपने देखा और किस तरह से ये सानहा पेश आया ज़रा बताइए। बच्चे तीनों हमारे कमरे करंट के साथ लगे हुए थे, इन गली वालों ने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन पानी में करंट था, तो भाई बड़ा था उसने अपना कॉल की लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम 112 दफ्तर गए हैं, उधर भी कोई भी गाड़ी भी नहीं खड़ी थी, लड़के भी कोई नहीं था, तो हमने सोचा भी चलो मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं। उधर जाते जाते रास्ते में उनकी डेथ हो गई है, उधर गए हैं तो उधर जाकर बिल्कुल ही एक बच्चा जो बिल्कुल सीरियस हालत में है, दो की डेथ हो चुकी है। तो किसी ने हमारे साथ किसी महकमे ने किसी हुक्मरान ने किसी ने तामन नहीं किया। उसके बाद हमने उधर गए हैं, डॉक्टरों ने कहा जी इन दोनों की डेथ हो गई है, लिहाजा इनका वो पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं या ये चीज़ें उन्होंने बताई। हमने कहा चले ठीक है जैसे आपकी मर्जी है। अच्छा एक ही खानदान से बच्चों का ताल्लुक था या अलग अलग? अलग अलग थे, एक व्याड़ी का था, बूढ़े व्याड़ी का रहने वाला, वो तो गांव चले गए हैं, तो एक इधर था, एक थोड़ा सा नज़दीक ही घर उधर है। तो बस इन्होंने कोई किसी की कोई बात नहीं सुनी, किसी हम सब शोर डालते रहे हैं भी हमारी अपने इधर आकर कुछ देखो क्या हुआ। फिर बड़े भाई ने फोन भी किया भी लाइट बंद कर दो लाइट बंद कर दो लाइट, भी पता नहीं ये बच्चे हमारे साथ ही थे, इधर ही खड़े हुए थे सारे, इन्होंने मसल उनको उठाया है, तो बस वो अलग की हिम्मत से हम ले गए हैं। बस वो अल्लाह ने जो ज़िंदगी देनी थी वो जिनको देनी थी वो दे दी है। एक बच्चा ही है वो भी सीरियस हालत में, अभी उनका कोई पता नहीं है। मासूम जो फूल थे जो खिलने से पहले ही जो है वो मुरझा गए, इस गली के अंदर उनकी रहाइश थी और बच्चे जो हैं इस गली के अंदर खेलते कूदते कल तक नज़र आ रहे थे, मगर आज वो बच्चे जो है वो मनोमट्टी के तले जाकर सो चुके हैं। और इसमें अगर बात की जाए कि नाअहली की तो वो सरासर जो है वो सही बात है, और ये नाअहली जो है वो झलकती हुई नज़र आ रही है। आइए आगे चलते हैं और मैं आपको वो घर दिखाता हूँ जिस पर ये क़यामत टूटी। जी नाज़रीन, इस वक्त बच्चे के जो चाचू हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनकी तो घर पर क़यामत का जो है वो समा है, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। मैं काम पर था तो तकरीबन 10 मिनट पहले ये मेरे पास ही था उधर, तो मुझे ना वहाँ पर ना चावल देने आया था, उधर ही बैठा हुआ था, जैसे बादल आए थे मुझे कह रहा चाचा मैं ना जा रहा हूँ बारिश ना आ जाए तेज़, तो जैसे घर आया तकरीबन बारिश थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने घर में फ़ोन किया कोई काम था, तो मुझे अचानक पता चला कि उसे ना जो बाहर खंभा है ना उसके तीन लड़कों को ऐसे बहुत बहुत खौफनाक मंजर है, अभी मोबाइल में रिकॉर्ड है, बहुत खौफनाक मंजर है, अभी बताया नहीं जा रहा मुझसे कि मैं क्या। रिजवान साहब सब्र करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये एक इंतहाई जिसे कह लें कि सानहा है कि जिसके बयान करने के लिए भी अल्फाज नहीं है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और यही हमारी तरफ से भी दुआ है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सारी इनकी गलती है, ये परसों तारे चेंज कर कर गए, उधर कोई जोर छोड़ गए, किसी ने ये नहीं देखा कि दोबारा चेक कर लिया कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा। और देखो वो बच्चे तो खेले, उनको क्या पता है यहाँ पे करंट है या क्या है। अब
हमारा तो देखो कितना बड़ा क़यामत आ गई हमारे ऊपर। मेरी जब उसकी दादी है उसका बहुत बुरा हाल है, उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है। इतना बड़े ये बच्चा छोटा है, ये तो रात को इतना रो रहा था, क्या बताऊँगा आपको। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो ज़ुबैर के वालिद मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सानहा किस तरह पेश आया और आया कि कोई कार्रवाई वो करवाना चाहते हैं, करवाई है या नहीं, ये उन्हीं से पूछते हैं। मैं जब रास्ते में था, गली के घर से थोड़ा पीछे था, तो वहाँ कह रही थी कि ये रफाकत के बच्चे को करंट लग गया, रफाकत के बेटे को करंट लग गया। मल्लियारे पूछ रहे हैं और रफाकत कौन है कौन है। मैंने ऊपर बाजू करके कहा वो मैं रफाकत, मैं की हो गया वे तेरे पोते करंट लग गया, वो अस्पताल लै गए ने। मैं उस तरह बारिश का पिछा गड्डी कड़ के मैं भज लै गया हॉस्पिटल, गड्डी ते गया तो मेरे जाते मेरे बच्चे की डैथ हो चुकी थी। गली मल्ले ने इन छुड़ा के जिस तरह भी लै गए। उनके चाचे से दो होर गली महल के मेरे दोस्त थी को वलीन सी, उन्होंने दौड़ भज करके मेरे बच्चों करंट तो छुड़ा के हॉस्पिटल लैके गए। लेकिन मेरे जान जस्ट मैं गया मेरे जाते मेरा बेटा दुनिया तो रुखसत हो चुका। किन्ने बच्चे ने? माशाल्लाह मेरे पांच बच्चे से जिन्ना चे कल्ला नु प्यारा हो गया, दो बेटियां दो बेटे रह गए। किड़ी क्लास पढ़दा? बच्चा मेरा पंजवी क्लास पढ़दा सी। पंजवी क्लास पढ़दा सी। शरारती सी या मासूम बच्चा? घर च साडे ने शरारतां करदा ही बाहर मासूम बन जांदा सी। हर एक ने हस के खेड के गल करनी है, मुस्कुराना हर एक दे दिल च चाहत उन्हें पैदा कीती सी कि किसी ने उन्हें ना नहीं करनी। किसी ने गली महल ने भी कहना बेटा मैंने चीज़ लिया दो, उन्हें चीज़ लिया देनी। दुकान ते दो बार चला या तीन दवा रहे, किसी ने उन्हें ना नहीं की। हर गली महल वाला रो रहा है कि एडा प्यारा बच्चा और जहीन समझदार बच्चा है जोड़ा हथाँ साढ़े निकल गया। गली महल ने बहुत तावन किया साढ़े नाल कि साढ़े बच्चे इंज न खुचिया फड़ के लैके गए ने कि साढ़े आने तो मैं तो काम से मेरे आने तो पहले सारा कुछ ना कर लिया। कोई कार्रवाई नहीं तुसी करवाई? सर जेकर कार्रवाई करते सानू पोस्टमार्टम उन्हें कराना सी, सानू लाश नहीं सी देनी। दो तीन दिन असी रुलते रहना सी लेकिन असी अपने बच्चे की ना यह कोई कार्रवाई नहीं कराई। ठीक है ना असी करानी चाहते हैं, लिहाजा सानू यही है कि असी खुदा वास्ते उन्होंने माफ़ कर दिता। ठीक है ना असी कोई रिपोर्ट नहीं कराई लेकिन असी अपना बच्चा सही सलामत अपने घर लाया तो अल्लाह की सुपुरद असी उन्होंने कर दिता। इसम ज़ुबैर का बड़ा भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा आप ज़ुबैर के बड़े भाई हैं, कौन सी क्लास में पढ़ता था ज़ुबैर? ज़ुबैर माशाल्लाह फाइव क्लास में पढ़ता था। फाइव क्लास में पढ़ता था, क्या खेलना उसको पसंद था? ज़्यादा वो खेलता था क्रिकेट बंटे बस और गेमों में चले गया। तो आप बड़े भाई थे, आपने कभी मारा था ज़ुबैर को? नहीं वैसे उसे गुस्से से कह दिया तो कहता था ठीक है मैं ठीक है अब नहीं करता। उसके बाद कल कह रहा था मुझे साइकिल लेके दो फिर मैंने स्कूल जाना वरना मैंने नहीं जाना, तो कल वो पक्की पक्की साइकिल लेके अपनी जगह पे चले गए। नाज़रीन ये बड़ा भाई और छोटे भाई ने बड़े भाई से साइकिल की ख्वाहिश जाहिर की कि साइकिल लेके दो, मगर वो साइकिल जो थी वो उसके नसीब में ना थी और कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि वो साइकिल आने से पहले जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन ये है वो बैग और ये वो किताबें हैं जो ज़ुबैर पढ़ता था और ये बैग अपने कंधे पे लटका कर जो है वो स्कूल जाता था एक सुनहरे मुस्तकबिल के लिए। उसे नहीं इलम था कि उसके ख्वाब जो हैं वो अधूरे रहेंगे और वो मनोमटी तले जा सोएगा। नाज़रीन कब तक हम लोग जो हैं इस तरह की गफलत और नाअहली को अल्लाह की रज़ा का नाम देकर बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक जो हम अपने प्यारों की लाशें जो है वो गफलत की वजह से अपने बाजुओं पर उठाएंगे? ज़रा सोचिएगा, ये सवाल मैं आप सब के लिए छोड़ते हुए जा रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।